तो भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आया है, ये देखिए। तो चाय हमारी तैयार। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो अभी हम गाय का दूध निकाल रहे हैं, तो आज हम आप लोगों के साथ गुड़ वाली चाय शेयर करने के जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि ताज़ा ही गाँव का दूध निकालें और चाय बनाएं। तो वीडियो से जुड़े रहना है, वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो अभी पानी से धो लेंगे। माशाल्लाह से हमारे गांव में गाय का दूध बहुत ही गाढ़ा होता है, बिल्कुल मिलावट से पाक। तो अभी हम किचन में आ गए हैं, तो सबसे पहले जलाते हैं और ये रखते हैं। अब इसमें हम वो दूध जो हम गाय का निकाल कर आए हैं, तो दो कप इसमें दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। आधा कप इसमें पानी डाल देंगे। तो अभी इसमें ये इलायची है, ये दो इलायची डाल देंगे। और ये सौंफ, क्योंकि जो गोड़ वाली चाय होती है ना, असल में सिर्फ इलायची और सौंफ डाली जाती है, इसमें अदरक और दूसरी कोई चीज़ नहीं मिलाई जाती, क्योंकि अगर वो चीज़ें मिलाई जाए ना तो इनका जायका चेंज हो जाता है। अगर सिर्फ इसमें इलायची और ये सौंफ मिलाए जाए तो गुड़ का जायका बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये गुड़ हमने ये पीस लिया थोड़ा सा, तो ये भी हम डाल देते हैं। तो हम हमारे इलाके में ना, जो हमारा देहात है, यहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। हमारे फैमिली में के अलावा भी इर्द गिर्द जहाँ हम काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो चाय बहुत ही शौक से यहाँ पी जाती है। यहाँ कहवा बनाया जाता है, वो भी कभी हम आप लोगों को बना कर दिखाएंगे। वो भी बहुत शौक से पीते हैं कहवा भी और चाय की। तो अभी दूध को थोड़ा उबाल आ गया, तो अब इसमें पत्ती डालेंगे। तो हमारे गाँव में ना कभी भी कॉफ़ी कोई भी नहीं पीता है, चारों में पी जाती है, लेकिन यहाँ देहात में कोई भी नहीं पीता। तो भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आया है, ये देखिए। तो चाय हमारी तैयार तकरीबन हो गई है, लेकिन थोड़ी देर और इसे उबाल देंगे, क्योंकि चाय पीना जितना भी पकाया जाए ना उतनी ही ज़बरदस्त बनती है। बुढ़िया भी आ गई है, नींद से उठा गई, सारा दिन सोती रही है ऐसे। हाँ छुट्टी है ना? आज छुट्टी नहीं थी, आज वैसे तुम खड़ी रही हो। कल स्कूल, परसों स्कूल जाओगी, कल तो संडे है, परसों स्कूल जाओगी। हाँ डंडे भी खा रहे हैं। हाँ छुट्टी आज खुद खा बखा के छुट्टी की है। मसाला फिर चाय हमारी तैयार होती है, हो गई है, हो गई है। निकालते हैं। अब ढाई कप ये था, लेकिन ये उबाल आते आते दो कप से भी कम रह गई है। इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।